Okay. Please mute yourself, Deval. Devam, sorry. Mohammed. Okay. Hello. So, board is clearly visible to all. Anyone, please tell me. Yes, sir. Yes. Okay, Pinkesh. Oh, thank you. Sir, no. Okay. So, again, very good morning. Sorry for little bit interruption. Okay, now it will be okay for you. Okay, so in last lecture, we have covered so many things like a straight line, how we can write equation of a straight line. Okay, and what are different form of a straight line, like point form, slope form. And I have given you an example, a homework. Have anybody solved it? जैसे आज गणेश ने बहुत अच्छा लगा मुझको, उन्होंने सबसे पहले reply किया और मुझको उनका जो assignment था वो check करवाया, ठीक है? बाकी किसी student का reply अभी आ नहीं रहा है, ठीक है? तो sir, I have solved. Rachit, very good. So you have to give me. You have to send your some pictures of this solution on your my WhatsApp number. Okay, then I will believe on you. Mohammed Raizan, I have also solved. Okay, Mohit ne bhi solve kiya hai. Very good. Sir, I have also solved. Okay, so please now mute yourself. Okay, very good. I will check your assignment. And then we will go further. Okay. So last lecture में जरा ध्यान से सुनिए. Last lecture में मैंने आपको जो चार अलग-अलग type के graph बताए थे, है ना? Different type के graph बताए थे. Circle की बात की थी हमने. हमने बात की थी parabola की. Okay. जैसा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ स्टूडेंट टाइम पर असाइनमेंट सॉल्व किया, उन्होंने मुझको बहुत अच्छा लगा, ठीक है? गणेश ने बहुत अच्छे से आज रिप्लाई किया, मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप इस तरीके से ऑनलाइन क्लास का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है? और भी सारे स्टूडेंट अगर इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? ताकि मैं और एनर्जी से और ज्यादा चीजें आपको पढ़ा पाऊँ, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन, जब तक आपका रिस्पॉन्ड नहीं आएगा तब तक मुझको मजा भी नहीं आएगा पढ़ाने में. तो आज मैं थोड़ा सा और इसमें कुछ चीज ऐड करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा हो रही है ऐसा कि आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया है तो कुछ चीज इसमें और ऐड कर देते हैं, है ना? जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ओके, हाइपरबोला, ओके, दीज आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शन. इनको हम क्या कहेंगे? कंबाइनली कॉल्ड कॉनिक सेक्शन. ध्यान से समझना, आप सभी को सारी चीजें ध्यान से समझना है, कोई भी स्टूडेंट इधर उधर ध्यान नहीं रखेगा, सबका ध्यान. एवरीबॉडी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम मोर थिंग इन द कॉनिक सेक्शन. इन सारे कॉनिक सेक्शन के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी. ओके, एक्सेंट्रिसिटी. ध्रुति, कोई डाउट बेटा? Sir, not able to see. Now you will able to see clearly. Okay. So eccentricity. सबसे पहले हम एक parameter define करेंगे eccentricity. ये eccentricity define करेगा कि आपका conic section जो है वो circle है, parabola है, ellipse है कि hyperbola है. अगर eccentricity e equal to zero आता है, okay, तो वो circle होगा. अगर एक्सेंट्रिसिटी e इक्वल टू 1 आ जाता है तो वो पैराबोला होगा. अगर एक्सेंट्रिसिटी e लेस देन 1 है
तो एलिप्स होगा और एक्सेंट्रिसिटी ई ग्रेटर देन वन है तो वो हाइपरबोला होगा। और हमने लास्ट एक स्पेशल केस देखा था जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला एंड एक्सेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज इक्वल टू रूट टू। इसका एक्सेंट्रिसिटी कितना होता है? रूट टू होता है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगी। ओके, अब एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है इसको समझने के लिए हमें कॉनिक सेक्शन का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। ठीक है, कॉनिक सेक्शन में एक फिक्स्ड लाइन होता है और एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहेंगे फोकस और फिक्स्ड लाइन को हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। ओके, इस फिक्स्ड लाइन को हम कहेंगे फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो यहां पर इस फिक्स्ड पॉइंट से किसी पॉइंट कोई पॉइंट ले लिया थी, ठीक है, उस फिक्स पॉइंट से इस फोकस से डिस्टेंस हमने मेजर की और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस मेजर की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्सेंट्रिसिटी उसको ही हम डिफाइन करते हैं, फिक्स ये वेरिएबल पॉइंट पी की डिस्टेंस फोकस से और पी का डिस्टेंस डायलैक्ट्रिक से, इसको हम एम लिख देते हैं, तो पी एम। ओके, इस तरीके से हम एक्सेंट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे। इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट फोकस एंड फिक्स लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स, एक्सेंट्रिसिटी। और इसी से कॉनिक सेक्शन के सारे केसेस डिफाइन होते हैं। अगर ई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपके पास में सर्कल का इक्वेशन आएगा, इक्वल टू वन पुट करेंगे तो पैराबोला का इक्वेशन आएगा, ई लेस देन वन पुट करेंगे तो एलिप्स का इक्वेशन आएगा, ई ग्रेटर देन वन करेंगे तो हाइपरबोला का। और यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला ई इक्वल टू रूट टू। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा माइंड में समराइज रखना है ना, ताकि सारी चीजें क्लियर हो। ओके, स्पेशली मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ये आप सारा मैथमेटिक्स में स्पेशली पढ़ेंगे। और बायो वाले स्टूडेंट के लिए मैंने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, और एक्सेंट्रिसिटी की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो कि विच टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन इज दिस। ओके, कल जब मैं एलिप्स का ग्राफ बना रहा था तो मैंने आपको बताया था दिस कोऑर्डिनेट इज ए कॉमा जीरो, दिस कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो, और ये कोऑर्डिनेट मैंने गलती से बी कॉमा जीरो लिखा था, इट विल बी जीरो कॉमा बी। थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है वहां पर, ठीक है। ये सुबह गणेश ने बताया है कि सर थोड़ा सा गलती हुआ था, तो यहाँ पर ये करेक्शन करना है। ऐसी इस टाइप की कोई छोटा मोटा मिस्टेक अगर होता है तो आप सबको अवेयर रहना है। ओके, और उसी टाइम आपको बता देना है, गणेश नेक्स्ट टाइम से आप कुछ ऐसा मिस्टेक आपको लग रहा है जो आपको समझ में आ रहा है तो आप उसी टाइम मुझको बता दो बेटा, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच। तो दीज टू कोऑर्डिनेट यू हैव टू चेंज, इट विल बी जीरो कॉमा बी एंड जीरो कॉमा माइनस बी, एंड ऑन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट विल बी ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो। अच्छा, यहाँ पर फोकस की अगर आप बात करेंगे, ध्यान से समझो जरा सा, अगर हम फोकस की बात करेंगे, मैंने कहा था एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक फोकस, तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए ई कॉमा जीरो और इस फोकस का कोऑर्डिनेट होगा प्लस ए ई कॉमा जीरो। ओके, तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और आप लिख लीजिए, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ऑफ एलिप्स, ओके, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। अब एक्सेंट्रिसिटी इलिप्स का लेस देन वन होता है तो ए ई का वैल्यू ए से छोटा होगा। ओके, अगर ए कोई वैल्यू है उसमें ई का मल्टीप्लाई करेंगे इज लेस देन वन तो वो और रिड्यूस हो जाएगा, तो ए ई इज द फोकस, प्लस माइनस ए ई। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का क्या एप्लीकेशन है, हो सकता है कि माइंड में आ जाए कि सर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं पर फिजिक्स में इसका क्या एप्लीकेशन है, जरा एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि इलिप्स का कहाँ यूज आप करोगे। तो प्लीज राइट इट डाउन, आपके पास में 30 सेकंड है, जल्दी से ये सारी चीज लिख लीजिए और कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो। आपका प्रॉपर रिस्पांस चाहिए मुझको सर। स्क्रीन स्क्रीन इज नॉट विजिबल क्लियरली। ओके,
सो व्हाट व्हाट इज एक्चुअल प्रॉब्लम, लाइटिंग प्रॉब्लम है कि नेट का प्रॉब्लम है? सर नेट, नेट का प्रॉब्लम है. ओके लेट आई एम गोइंग टू चेक इट. सो बेटा ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा. एक्चुअली मैं नेट का प्रॉब्लम मेरी साइड से नहीं है, क्योंकि जब मैं सामने देख रहा हूँ तो क्लियरली विजिबल है. ठीक है, तो आपकी साइड से ही कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा चेक करो अगर किसी का अगर मेरी साइड से कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर मेरे लैपटॉप पे जो मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, पर यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, मतलब नेट की कनेक्टिविटी मेरे साइड से अच्छी है. ओके एंड नाउ आई एम गोइंग टू रब इट. अगर इन केस आपके स्क्रीन ब्लर हो जाती है, ठीक है, या वॉइस थोड़ा सा रुक जाता है, तो ये वीडियो गूगल ड्राइव पे अवेलेबल रहेगा, आप वहां से रिकैप कर सकते हो. ओके चलो अब हमको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया है. वो जो करेक्शन है वहीं पर आपने जब डायग्राम बनाया था वहीं पे वो करेक्ट कर लेना आप. और यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि अगर हम इलिप्स की बात करें, ओके, तो ये जो है इट इज पाथ ऑफ अर्थ, ये अर्थ का ऑर्बिट इलेप्टिकल पाथ है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ईच प्लैनेट revolving around the sun on elliptical path and sun is present on one of its focus. Okay, so agar maximum distance samajhna, theek hai, maximum distance agar aapko calculate karna hai r max from the sun, maan lete hain ye aap hamara earth hai. Okay, so maximum distance or minimum distance, this will be minimum distance. Okay, so r max kitna hoga, R max होगा this A plus AE, तो AE plus AE, okay, या फिर हम लिख सकते हैं A plus AE. R max maximum distance from the sun earth का कितना होगा AE plus A, और minimum distance कितना होगा, ये total A है उसमें से AE subtract कर देंगे तो A minus AE. और अगर हम ratio लेंगे maximum distance from the sun to the minimum distance, okay, so it will be a can take common, so 1 plus e divided by a into 1 minus e, a will be cancel out, so it will be 1 plus e divided by 1 minus e. Okay, ho sakta hai kuch student ko thoda sa ab blur ho raha hoga, ho sakta hai kuch student ko concept thoda clear nahi ho, to aise student ko thoda sa revise karne ki zarurat hai. सारी चीजों को दो बार तीन बार आप रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे. बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये सारी चीजें आई थिंक वेरी क्लियर होगी. तो ये भी आप लिख लीजिए, इट इज अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, अर्थ इज ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग ऑन इलेप्टिकल पाथ अराउंड द सन, सो If you want to find the maximum distance, ratio of maximum distance to the minimum distance, it will be 1 plus e divided by 1 minus e. अगर मतलब उस ऑर्बिट का अगर एक्सेंट्रिसिटी पता है तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं. और ये पैरामीटर्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्यों, क्योंकि जब कभी आपको कुछ ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करना होता है, जब कभी हमको कुछ स्पेसशिप वगैरह लॉन्च करना होता है, तो वहाँ पर जो प्लैनेट होते हैं उनकी पोजिशन हमको पता होना चाहिए. ठीक है, पोजीशन पता होने के बाद मिनिमम पोजीशन, मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस. ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे डिस्कवरी वगैरह आप देखते होंगे कि जब कभी नासा ने इस टाइप से कुछ भी सैटेलाइट वगैरह कुछ लॉन्च किया है, जैसे कि मार्स पे कुछ लॉन्च करने जा रहा है, वो रोबोट लॉन्च कर रहा है, सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो वो मार्स जब मिनिमम डिस्टेंस पे होगा अर्थ से, ठीक है, नहीं तो डिस्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ सकती है. अगर मास कहीं अर्थ यहाँ पर और मार्स भी यहाँ पर होगा तो डिस्टेंस
तो इस टाइप से कोऑर्डिनेट वो डिसाइड करते हैं, इस टाइप से पोजीशन टाइम इस टाइप से डिसाइड करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े ताकि हम इजीली सारी चीजें कर सकें। ओके, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें हमको समझ में आई। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ, सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ थीटा, एंगल। और एंगल को मेजर करने के लिए हम दो यूनिट का यूज करते हैं, वैसे चार यूनिट का यूज करते हैं। एक है रेडियन, एक है डिग्री, आपको सभी को पता है, एक मिनट होता है और एक सेकंड। ओके, रेडियन में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। अगर इनमें इंटर रिलेशन, अगर हम पाई रेडियन की बात करें तो इट विल बी 180 डिग्री। दिस इज रिलेशन बिटवीन पाई रेडियन एंड 180 डिग्री, रेडियन एंड डिग्री में रिलेशन है। ओके, अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू 60 मिनट। मिनट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज इंडिकेटिंग बाय डैश, सिंगल डैश हम लगा देंगे, ऐसे मिनट को हम डिफाइन करते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये सारे रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, वैसे यहाँ पर अभी बेसिक मैथमेटिक्स में हम डिग्री और रेडियन में ही बात करेंगे, पर जब फिजिक्स में हम जाते हैं तो कुछ स्मॉलर एंगल की भी बात करते हैं जिनको हम मेजर करते हैं मिनट में और सेकंड में। ओके, अगर आपको सेकंड को डिफाइन करना, इंडिकेट करना है तो इट इज इंडिकेटिंग बाय डबल डैश, दो डैश लगाना है। और अगर आपको मिनट को डिफाइन करना है तो सिंगल डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। थीटा एंगल हमको पता है, इट इज प्लेन एंगल, ऐसे सॉलिड एंगल भी होता है, 3D में भी एंगल होता है, जो आप यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ेंगे। जब कभी आप नाइन्थ में जाते हैं तो यूनिट मीटर का समझते हैं, टेम्परेचर का मतलब समझते हैं, एम्पियर आपने पढ़ा होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, ठीक है। तो ये सारी चीजें 7 यूनिट्स, और उसके बाद में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है, एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर हम प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, ये एंगल का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। मैंने कल अलग अलग टाइप के आपको फंक्शंस बताए थे, जैसे कि अगर मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू, तो इन सबको समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, एक एंगल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये सारी चीजें आपने लिख ली होगी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जरा ध्यान से देखो, हमारे पास में ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं और इस कोऑर्डिनेट्स में ये जो डिस्टेंस होगी ये पॉजिटिव होगी, ये वर्टिकल अपवर्ड डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव एक्स मतलब नेगेटिव और डाउनवर्ड मतलब की नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में जब कभी कोई डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, बैकवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी नेगेटिव। ओके, अगर आपने कोई राइट एंगल ट्राइंगल, अब जरा ध्यान से समझना, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। आपको पता होगा कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टैन थीटा सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, कॉस टैन बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये सारी बात आपको क्लियर होगी, वापिस से समझो ये सारी चीजें, अपन क्यों ऐसा होता है हम देख रहे हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, आपको ये बात पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो रेशियोज होते हैं, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनको हम रेशियोज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये सारी बात आपको बताओगी, वापस से जरा ध्यान से समझो। अगर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो यहाँ पर हाइट जो है वो पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेनियस तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना आपने, ठीक है, हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है। तो जब आप साइन थीटा की बात करोगे, इट इज एंगल थीटा, जब आप साइन थीटा की बात करोगे, ध्यान से समझना, साइन थीटा की जब हम बात करेंगे तो दोनों पॉजिटिव,
ठीक है, परपेंडिकुलर बी पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस बी पॉजिटिव है, इसलिए साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है. सेम एज इट इज अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस बी पॉजिटिव है या बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है. अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा में बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक में ज्यादा sec थीटा, cot थीटा और cosec थीटा के बारे में बात नहीं करूंगा, उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, पर इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं. सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे. ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो सारे पॉजिटिव होते हैं. इस साइड का मैं रब कर रहा हूं, सारी चीजों को ध्यान से समझना है आपको. मैं जरा चेक कर लेता हूं कि कोई स्टूडेंट सो तो नहीं रहा है. गणेश बेटा समझ में आ रहा है आपको? गणेश वेरी गुड वेरी गुड. ओके, अच्छा मेरा जो पढ़ाने का आपको तरीका रहेगा जरा सा हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, जब तक आप ये लिखते भी रहो और मेरी बातें भी ध्यान से सुनते रहो. ठीक है, जैसा आज गणेश ने मुझको रिप्लाई किया है ना, ऐसे सभी स्टूडेंट को जितना जल्दी से जल्दी है मुझको रिप्लाई करना है. ठीक है, और आपका जो स्पेयर नोटबुक होगा जिसमें आप सारे नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है, या असाइनमेंट कॉपी होगा, उस असाइनमेंट कॉपी का एक पेज मेरा रिमार्क पेज होगा. ठीक है, उस पे मैं अलग अलग कलर से आपको स्टार्स दूंगा. ठीक है, हर एक स्टूडेंट को स्टार दूंगा. कभी रेड कलर का दूंगा मतलब सबसे पुअर परफॉर्मेंस, ब्लू कलर का है मतलब थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस. ठीक है, सिल्वर कलर का अगर मैंने आपको स्टार दिया है मतलब कि ओके ओके. गोल्डन कलर का अगर मैंने आपको स्टार दिया है मतलब कि वेरी गुड. ठीक है, तो गणेश ने एक स्टार आज ले लिया है और वो सिल्वर कलर का है, गोल्डन तो और उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी. तो इस टाइप के कुछ स्टार्स में हर एक स्टूडेंट को दूंगा और लास्ट में, ठीक है, या तो एक क्वार्टर एग्जाम के बाद में या हाफ ईयर एग्जाम के बाद में, लास्ट में मुझको जिस स्टूडेंट के मार्क्स, जिस स्टूडेंट के स्टार्स सबसे ज्यादा होंगे उसको मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेगा. ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हैं. गिफ्ट छोटा मोटा मैं नहीं दूंगा, गिफ्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. मैंने आज कुछ गिफ्ट निकाल के भी रखे हैं, आपको बताता हूं मैं. जैसे कि ये आपको बुक दिख रही होगी, दिख रही है बुक, ऐसे 6 वॉल्यूम मेरे पास में प्रेजेंट है, पूरा पेटी पैक है, है ना. देखो आप, 6 वॉल्यूम जो पूरा फिजिक्स है, और ये एडवांस का है, फिजिक्स एडवांस का है, और ये ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का है. अभी मेरे पास अवेलेबल है, 11 के भी आते हैं, काइनेमेटिक्स, वेव एंड थर्मोडायनामिक्स, काइनेमेटिक्स 1, काइनेमेटिक्स 2, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा सब कुछ, ऐसा 6 वॉल्यूम आते हैं. ठीक है, तो जब कोई मुझको ऐसा स्टूडेंट लगा कि नहीं इसने सबसे ज्यादा गोल्डन स्टार ले लिए हैं, तो इस टाइप का गिफ्ट में जरूर उसको दूंगा, ताकि उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. ये जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी बुक है जेई एडवांस के लिए. ठीक है, तो आप इस टाइप से रिस्पॉन्ड करते रहें. ठीक है, और आपके डाउट्स जो आएंगे उस डाउट से भी मुझको पता चलेगा कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना अवेयर हैं, ठीक है, कितना ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ठीक है, तो आप इन सारी बातों को ध्यान से समझो. लास्ट में एग्जामिनेशन होता रहता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, SA1 SA2 FA1 FA2 ये चलता रहता है. ठीक है, इसमें तो सब कुछ पढ़ता है, पर पूरी क्लास में जो उसका परफॉर्मेंस है, जो मुझको पूरे ईयर वाइज जो बच्चे का परफॉर्मेंस दिखा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं उसको कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करूँगा. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है गिफ्ट का. ऐसे मेरे पास में अलग अलग टाइप के आपके बेनिफिट के लिए बहुत सारे गिफ्ट रहेंगे. ठीक है, कॉस्ट उसका कम नहीं है, अच्छा खासा है. ठीक है, तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, नेक्स्ट ध्यान से समझो, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो
एक आपकी बुक का पेज मेरा रहेगा रिमार्क पेज, और उसमें मैं आपको कुछ स्टार्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? तो आप रिस्पॉन्ड करें सारी चीजों का। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, मतलब कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री, ठीक है? ओके, अगर आपने 90 को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया है तो इधर इसमें मत लेना, और इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेते हैं 180 डिग्री को, ठीक है? तो अगर हमने ये वापस से सेकंड क्वाड्रेंट, और अब ट्राइंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बना है, ठीक है? तो थीटा ये थीटा है ना? अब आप जरा ध्यान से देखोगे, यहाँ पर हाइट तो जो है वो पॉजिटिव है, बेस जो है वो नेगेटिव है, हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, हाइट पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है, हाइपोटेनियस, हाइट को परपेंडिकुलर लिख देते हैं, हाइपोटेनियस पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ पर साइन थीटा लिखेंगे तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव पी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एच। अगर कॉस थीटा लिखेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब नेगेटिव बी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एच। और टेन थीटा की अगर हम बात करेंगे तो हाइट बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो प्लस एच डिवाइडेड बाय माइनस बी, इट कैन बी रिटन एज माइनस एच बाय बी। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है? अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर हमने इस थीटा को, अगर ये वाला एंगल हमको देखना है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है? यहाँ पर इस वाले एंगल को हमने कुछ अल्फा लिख दिया, ठीक है? तो थीटा अगर हम लिखेंगे साइन थीटा, है ना, तो वो होगा प्लस पी डिवाइडेड बाय प्लस एच, और साइन अल्फा अगर हम लिखेंगे तो भी वही होगा, हाइट डिवाइडेड बाय बेस, यहाँ दिख रहा है अपने को। तो हम लिख सकते हैं कि साइन अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। पर इसकी जगह हम लिख देंगे कॉस 180 माइनस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हम लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। अगर हम लिखेंगे टेन 180 माइनस थीटा तो इसको हम लिखेंगे माइनस टेन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है? 180 माइनस थीटा मतलब कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है ना, तो अगर आपको इंटर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कन्वर्ट करें, ओके? ये कॉन्सेप्ट अभी आप मत लिखो क्योंकि फिर वो इंटरमिक्स हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा अलग चीज है और अल्फा अलग चीज है, तो ये बाद में सारी चीजें एक बार फिर से बताऊंगा, इनको नहीं लिखना आपने। तो सेकंड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, किसी को डाउट है? आगे देखते हैं, ये वाला मैं रब कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की। अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, ठीक है? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमको समझ में आ रहा है, अब परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, और हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव, ओके? तो साइन थीटा की अगर हम बात करेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर माइनस बी अपॉन एच, तो नेगेटिव आया, दिस इज थीटा, ओके? अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो माइनस बी बाय एच, नेगेटिव आया, और अगर हम टेन थीटा की बात करें तो माइनस पी डिवाइडेड बाय माइनस बी, जो कि पॉजिटिव आया, ठीक है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस और दूसरे जो होते हैं कॉट और टेन को छोड़ के बाकी नेगेटिव होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। आपका ये होमवर्क है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप फाइंड करेंगे कि कॉस थीटा कैसे पॉजिटिव होता है, तो थोड़ा सा स्पेस आप सभी छोड़ दीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ये अभी आपको समझ में आया है, अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ डाउट आता है तो आप हेलो सर पहले सबको रिवाइज करना। हाँ बेटा बोलो। यू कैन एक्सप्लेन इट वंस थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट. अच्छा देखो, ये जो इधर नेगेटिव साइन, इधर नेगेटिव डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है. तो यहाँ परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा, बेस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. हाइपोटेन्यूस का हमेशा पॉजिटिव लेना, ठीक है. बेस और हाइट से, परपेंडिकुलर से ही हम डिसाइड करेंगे. तो साइन थीटा की बात करें तो माइनस पी बाई एच, साइन थीटा नेगेटिव आ गया क्योंकि परपेंडिकुलर नेगेटिव है. कॉस थीटा की बात करेंगे तो बेस भी नेगेटिव है. टेन थीटा की बात करेंगे तो दोनों नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है. कोई डाउट किसी को? सर रिपीट होमवर्क, होमवर्क इज दैट यू हैव टू नाउ राइट डाउन ऑल द थिंग्स फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको ये सारी चीजें वापस से एक्सप्लेन करना है, ठीक है. डायग्राम बनाना है पूरा जैसा मैं बता रहा हूँ. साइन थीटा का वैल्यू लिखना है, कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है, टेन थीटा का वैल्यू लिखना है, और कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा सेम एज इट इज आपको लिखना है. इट इज योर होमवर्क. सर इन सेकंड क्वाड्रेंट टेन थीटा यू हैव रिटन एच अपॉन बी, माइनस एच अपॉन बी, इट विल कम पी अपॉन माइनस पी. ओह सर इट विल कम पी अपॉन माइनस बी. हाँ 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 बिल्कुल, सॉरी फॉर इट, वो मैं हाइट समझ गया उसको. चलो तो पी बाई एच, पी बाई बी. ओके थैंक यू वेरी मच. तो ये सारी चीज आपको क्लियर समझ में आई? कोई डाउट हो किसी को तो पूछे मुझसे भी. थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट it will be between 270 to 360. Okay sir, it will be in between 270 to 360. This is 0 degree, 90 degree, ye 90 degree ho gaya. It will be 180 degree, 270 degree, and again 360 degree. So 0 degree kahan ya 360 okay, degree kahan baat ek hi hai. Okay, 0 डिग्री का है या 360, और फिर रोटेट करेंगे अपन. तो 360 प्लस थीटा, अगर वापस से फिर 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया. ओके अगर 360 प्लस 90 प्लस थीटा कहेंगे तो फिर वापस से हम सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा रोटेशन चलता जाएगा चलता जाएगा. आपने अभी तक जितने भी 10th में थीटा का वैल्यू देखा होगा वो 90 तक ही देखा होगा, ठीक है. पर थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट तक जाता है, वो रोटेट करता जाता है करता जाता है करता है. 360 के बाद पूरा रोटेट करेगा 270 आएगा, फिर रोटेट करेगा 360, एड करते जाओ तो 2π 4π 0 से स्टार्ट होगा, फिर एक रोटेशन के बाद 2π, फिर एक रोटेशन के बाद 4π, फिर एक रोटेशन के बाद 6π, तो वो चलते जाएगा. तो आप ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती है, उनके वैल्यू फाइंड करते जा सकते हो, ठीक है. ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको यही देखना है. ओके बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बायोलॉजी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया है तो आप अभी पूछ लो, कल डाउट में पूछना, या फिर भी कोई डाउट है तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है. पर डाउट में एक भी चीजें मत रखना, ठीक है. हेजिटेट मत होना कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछने के लिए, ठीक है सर. हाँ हेलो सर, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन दैट हाउ वी कैन फाइंड द डिग्री. डिग्री? यस सर. जैसे मैं अभी आपको लिख देता हूँ, आपने कहा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके आपको लिखना है 30 डिग्री. 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 होगा, 180 बाई 6 इक्वल टू 30. अगर आपको 60 डिग्री लिखना है तो आप लिखेंगे पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 3. अगर आपको 45 डिग्री लिखना है तो आप लिखेंगे पाई बाई 4. अगर आपको 90 डिग्री लिखना है तो आप लिखेंगे पाई बाई 2. अगर आपको 120 डिग्री लिखना है तो क्या होगा 120 में? 2 पाई बाई 6 की 5 पाई बाई 6 होगा. ओके सॉरी 2 पाई बाई 3 इसको लिख सकते हैं अपन. क्या 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो पाई माइनस पाई बाई 3. ओके 2 पाई बाई 3
अगर आपको लिखना है 135 डिग्री, मतलब कि पाई, इसको लिख सकते हैं अपन क्या 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सो पाई माइनस पाई बाय 4, सो इट विल बी 3 पाई बाय 4. अगर आपको 270 लिखना है तो इट विल बी 3 पाई बाय 2, 180 प्लस 90, 3 पाई बाय 2, पाई प्लस पाई बाय 2. इस तरह से सबका वैल्यू आप निकाल सकते हो. ठीक है, आपको लिखना है 315 डिग्री, तो ये होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब कि इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो इट विल बी 8 माइनस पाई 7 पाई बाय 4. ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी. ठीक है, तो मोहित समझ में आया बेटा? यस सर. यही क्वेश्चन था आपका? यही क्वेश्चन था. ओके ओके, थैंक यू सर. वेलकम बेटा. ओके, ये सारी चीज आपको क्लियर होगी, ये सब आप भी लिख लीजिए. बायो वाले स्टूडेंट स्पेशली ये सारी चीजें लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पाई बाय 4 आ गया तो पाई बाय 4 आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री. 2 पाई बाय 3 आया, क्लिक हो जाना चाहिए 180, 120 डिग्री होगा, और कैसे आया ये समझ सकते हो यहाँ पर. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि आप न्यूमेरिकली भी स्ट्रांग हैं. ठीक है, फिजिक्स एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे आपके पास में काइनेमेटिक्स आएगा, आपके पास में रोटेशनल मोशन आएगा, आपके पास में ग्रेविटेशन आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, SHM, ये सारे बहुत सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे डेरिवेशनल पार्ट भी होते हैं, तो जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो वो सारी चीजें रट लेता है और एग्जाम में लिख कर आ जाता है. तो थ्योरेटिकल पोर्शन तो कर लेगा, पर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए. अभी तक अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन 10th तक स्ट्रांग नहीं था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, न्यूमेरिकली आप बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो सकते हैं. ठीक है, तो ये बात ध्यान से समझना, सारी चीजें एक एक बारीक बारीक बातें मैं आपको बता रहा हूँ. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, अभी स्टार्टिंग में मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा, नहीं ऐसा स्टार्टिंग में नहीं, हमेशा ही आई विल सॉल्व योर ऑल डाउट्स, पर अभी 2+2 पूछोगे तो भी बताऊंगा. ठीक है, पर जब मैंने 2+2 पूछा, आपने 2 हेलो यस सर सॉरी बाय मिस्टेक, एक्चुअली नेट इज नॉट गोइंग वेल. ओके, सो ये सारी चीज क्लियर है, मैं इनको रब कर देता हूँ, आगे देखते हैं. तो सारे क्वाड्रेंट में कैसे कैसे हमको चेंज करना है वो समझ में आया. अभी आप इतना याद रखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, टेन एंड कॉट विल बी पॉजिटिव, एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड कॉसेक सॉरी कॉस एंड सेक इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट. अब जरा ध्यान से समझना, अगर आपने ऐसा लिखा, और एक और चीज जरा ध्यान से समझो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये एंगल लिया है थीटा, ठीक है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपने ये एंगल लिया है थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा. ठीक है, ये हाइपोटेनियस है. ठीक है, अच्छा हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब क्या होता है, और बेस का मतलब क्या होता है, कोई मुझको बताएगा? Anyone can tell me what is meaning of perpendicular, what is meaning of base, and what is meaning of hypotenuse in right angle triangle? How can we choose which one is our perpendicular? Anyone? Hello, sir. Yes. Sir, the side opposite to theta is perpendicular. Very good. And the side joint to theta is base. Very good. ये जो है थीटा के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर है, थीटा के साथ वाला बेस है.
and the largest side is hypotenuse. Okay. Yes. Same sir. As it is. ये 90 minus theta, 90 minus theta के सामने वाला साइड जो है, तो ये आप जब लिखोगे ध्यान से समझो साइन 90 minus theta, ओके okay, इस ट्राइंगल के लिए तो वो हो जाएगा ये b है और ये h है b by h और साइन b by h तो cos होगा, cos theta क्या होगा b by h होगा, तो आपने लिखा साइन 90 minus theta is equal to cos theta. कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि हो सकता है कि आपने ट्राइंगल को रोटेट कर दिया हो. ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर ऐसा वर्टिकल लाइन नहीं होगा और बेस हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगा ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल. थीटा के सामने वाला जो साइड है वो होगा आपका परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाला जॉइनिंग टू द थीटा इज बेस. ओके okay, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर होगा. एक्चुअली में वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इन दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू बी, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी एंड हाइपोटेनियस एच. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा इट विल बी बी बाय एच एंड व्हाट इज बी बाय एच, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा इन ट्राइंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ थीटा. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय, यहां पुट करेंगे तो हमको ये रिलेशन आया. ऐसे ही अगर आपने लिखा साइन 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वार्टर में पहुंच गया थीटा. अभी हम जितने भी एंगल इस टाइप की आइडेंटिटी जब कभी यूज करेंगे तो थीटा का वैल्यू 90 से छोटा है. ठीक है, तो 90 प्लस थीटा, अगर 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है तो आप लिखेंगे प्लस कॉस थीटा. जब कभी 90 आया, जब कभी 270 आया, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू जब कभी होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा तो साइन का कॉस करना है. ठीक है, 10 का कॉट करना है और सेक का कॉसेक करना है. ओके, तो आपको समझना है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस. अगर कॉस 90, पहले हम इस सब की बात कर लेते हैं. फर्स्ट जरा ध्यान से लिखना सारे फॉर्मूले, साइन 90 माइनस थीटा बी प्लस कॉस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड कॉस 90 माइनस थीटा विल बी प्लस साइन थीटा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा. थर्ड अगर हम बात करें टेन 90 माइनस थीटा इट विल बी इक्वल टू प्लस कॉट थीटा. ओके, और 10 साइन और कॉस की हम बात करेंगे, बाकी इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है. ठीक है, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे फिर वापस से फोर्थ आइडेंटिटी, अगर हम लिख रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसलिए लिखेंगे प्लस कॉस थीटा, 90 ये इसलिए चेंज कर देना है. फिफ्थ अगर आपने लिखा कॉस 90 प्लस थीटा तो आप लिखेंगे माइनस साइन थीटा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा. सिक्स्थ अगर हमने लिखा 10 90 प्लस थीटा तो आप लिखेंगे माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा. 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. ओके, नेक्स्ट अगर हम लिखें, अब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, जरा ध्यान से समझना. सेवन थर्ड क्वार्टर में पहुंच गए मतलब आपने देखा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, थर्ड क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा. अगर 180 आ रहा है या 360 आ रहा है तो आपको चेंज नहीं करना है. ठीक है, ये सारी चीज क्लियर हो रही होगी आपको. एट अगर आपने लिखा कॉस 180 माइनस थीटा देन इट विल अगेन माइनस कॉस थीटा बिकॉज कॉस इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, सेम एज इट इज. नेक्स्ट 10 180 माइनस थीटा विल बी प्लस 10 थीटा. व्हाई प्लस, बिकॉज 10 इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट. अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 270 प्लस थीटा, ओके
साइन सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया है एक मिनट यहाँ पे प्लस कर लू ओके दीज आर ऑल इन थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी एक्चुअली मुझको ऐसा लिखना था साइन 180 माइनस थीटा देन इट विल बी प्लस साइन थीटा ओके साइन 180 माइनस सॉरी कॉस 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा प्लस कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता तो माइनस कॉस थीटा और टेन 180 माइनस थीटा अगेन माइनस टेन थीटा ओके तो ये वैल्यूज भी आपको समझ में थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेना कि मैंने 180 प्लस थीटा लिखना था 180 माइनस के लिए एक्सप्लेन किया था वो मैंने नीचे करेक्ट कर दिया है ठीक है तो 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट 180 cos 180 plus theta will be equal to minus cos theta. 10 180 plus theta will be equal to plus 10 theta because 180 plus sir, theta मतलब कि third quadrant. Yes. Sir, in fourth one there would be minus cos theta. यहाँ पर fourth one. Fourth. Plus theta. 10 sine जो है वो second quadrant में positive होगा. sin second quadrant mein positive hai that's why you have to write plus cos theta sin 90 plus theta is equal to plus cos theta. Okay hello yes actually main aapki screen hatane ke liye hello kaha tha okay wapis hello okay तो इस साइड का मैं रब कर रहा हूँ सारी चीज लिखे आप और कुछ फॉर्मूले हम देखते हैं देखो नेक्स्ट अगर हमको लिखना है ये टेंथ हो जाएगा ये इलेवेंथ हो जाएगा ये ट्वेल्थ वैसे बहुत सारे चलते जाएंगे तो नंबर तो देना ही नहीं चाहिए था हमको नेक्स्ट 13 अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो साइन 270 प्लस थीटा इट विल बी माइनस कॉस थीटा है ना अगर यहाँ पर लिखने में कोई डाउट आ रहा है तो आप बताना कि सर ये कैसे हो गया मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 14 क्योंकि मुझको लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा अगर हमको लिखना है cos 270 plus theta so cos in fourth quadrant is positive so plus sin theta okay 15th 10 270 plus theta fourth quadrant में 10 negative है so minus cot theta ओके आगे देखते हैं अगर हम लिखे साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में इट विल बी माइनस साइन थीटा कॉस 360 माइनस थीटा देन इट विल बी प्लस कॉस थीटा ओके यहां पर पाई बाय टू का इवन मल्टीपल ओके इसलिए आपको चेंज नहीं करना पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल जब होगा तब हम रेशियो चेंज कर देंगे 10 360 माइनस थीटा विल बी माइनस 10 थीटा ओके ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी 16 17 18 और आगे बात करते हैं जरा ध्यान से समझो अब हम वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं मतलब कि अगर आपने लिखा साइन 360 plus theta, then it will be plus sine theta. क्योंकि सभी positive है. Cos 360 plus theta, तो ये हो जाएगा cos theta. And 10 360 plus theta, it will be plus 10 theta. ठीक है. So it is 19 number, 20 number and 12. अगर इस पर कुछ डाउट हो तो पूछे इन सब का हमको यूज करना रहेगा ठीक है सर यू कैन एक्सप्लेन 8 10 11th वन 11th वन cos 180 माइनस थीटा cos 11
and 8th. 8th. Yes, 11th is cos 180 minus theta. 180 minus theta matlab second quadrant. Aur second quadrant mein cos kya hota hai? Negative hota hai. So cos 180 minus theta is equal to minus cos theta. अब यहाँ पर cos यहाँ पर 180 है इसलिए चेंज नहीं करना है cos को cos ही लिखना है तो cos 180 minus theta is equal to minus cos 8th वाला cos 180 plus theta third quadrant में 180 plus theta मतलब third quadrant में एक पूरा यहाँ से हम गए और यहाँ आ गए तो ये 180 plus theta यहाँ ठीक है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा क्यों क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ओके सर यस विल यू एक्सप्लेन 19 20 21 ये फोर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ गए देखो दिस इज 360 plus theta okay so this whole angle is 360 plus theta okay first quadrant mein ab yahan par 360 hai 360 matlab ki p1 multiple of 90 so change nahi karna hai sine ka sine hi rakhna hai cos ka cos hi rakhna hai tan ka tan hi rakhna hai ye humko samajhna hai ab first quadrant mein to sabhi positive hote hain ye sab first quadrant mein hi hai na तो sin theta को sin 360 plus theta को sin theta लिख सकते हैं cos 360 plus theta को cos theta लिख सकते हैं tan 360 plus theta को tan theta ओके 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 यू हैव 30 मिनट टू राइट इट डाउन प्लीज म्यूट योरसेल्फ यस सर यस सर इन 20 सर इन 20 cos इज cos 360 plus theta is equal to minus cos theta minus cos because it is in first quadrant mein sab positive hote hain so cos ka cos plus hi rahega sab positive hai theek hai okay sir thank you sir sir kaise banne okay thank you excuse me sir yes excuse me sir yes Anisha sir actually without the graphs it is not making clear us because graph se thoda samajh mein bhi aa raha hai aur fir baad mein aise thoda pata nahi chala ki kaun se matlab aise pura 60 degree kaise hua fir 80 degree kaise hua dekho so with graph I am getting more clearly yes you are but there are so many formulas so it will take so much time aap ग्राफ खुद प्लॉट करें और चेक करें कॉन्सेप्ट समझो आप जरा ध्यान से देखो 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा इट इज थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव इसमें सारे पॉजिटिव हैं ये तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड क्वाड्रेंट का 90 प्लस थीटा दिस इज 90 एंड दिस इज थीटा 90 प्लस थीटा ओके ये सेकंड क्वाड्रेंट का है तो साइन वाला ही पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट का है सॉरी ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का है ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा ठीक है तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव ये जो केस है ये फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट का है 180 दिस इज 180 प्लस थीटा तो 180 डिग्री प्लस थीटा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ठीक है यहाँ पर दिस इज 270 प्लस थीटा ओके 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस टर्म विल बी पॉजिटिव साइन साइन टर्म एंड टेन टर्म विल बी नेगेटिव ठीक है इसमें देखते हैं अपन
360 minus theta. So this is 360 minus theta. Fourth quadrant mein cos positive hai, baki negative hai. Sin negative, cos positive, tan negative. Sin 360 plus theta, ye to bata hi diya hai, sab positive. Agar aap aisa soch rahe hain ki ye aapko abhi yaad ho jayega, aisa nahi, thoda sa practice karna padega. Theek hai, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, अच्छे से रिवाइज करना, ओके? और कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछना, ठीक है? हमारा लेक्चर 5 मिनट स्टार्ट हुआ था, लेट स्टार्ट हुआ तो 5 मिनट ज्यादा लूंगा मैं। किसी को कोई इश्यू? ये सारी चीजें लिख चुके हैं, मैं रब कर दूं। सर प्लीज वेट फॉर 2 मिनट। ओके 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 बेटा। Hello, sir. Yes, sir. Sir, can you please share your WhatsApp number? Can you please share your WhatsApp number? Yes, yes. 9630918087. Thank you, sir. Okay. ऐसा हो सकता है कि जब आप स्क्रीन पे, जब तक मैं बोलता रहूंगा तब तक मेरा स्क्रीन दिखेगा, कोई दूसरा बोलने लगा तो उसके से, तो आप मेरा जो स्क्रीन है उस पर डबल टैप करो, ठीक है? ऐसे दो बार उसको टच करो तो फिर हमेशा मेरा स्क्रीन रहेगा। ओके, कोई डाउट किसी को? आज कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है जरा देखते हैं। अगर पिंकेश भाव्या प्रेजेंट है, प्रेक्षा प्रेजेंट है, रोहित प्रेजेंट है, यश, मोहित, ओके, मोहम्मद, जया प्रेजेंट है, गणेश प्रेजेंट है, रचित प्रेजेंट है, सलोनी प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। ओके, ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी, मैं रब कर रहा हूं। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछना उससे, ठीक है? हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हो, है ना? मुझको ऐसा लग रहा हो कि मैं तो बहुत अच्छे अच्छे से बता रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि सर तो बिल्कुल ऐसे हवा में उड़ा रहे हैं सारी चीजें, तो आप पूछो मुझसे, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं अभी किसी को फेस तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है? मैं किसी को जानता नहीं, अपना फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन इंटरव्यू हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है? ऐसा ऐसा एक्चुअल में होता है जब मैं क्लास ले रहा हूँ और एक महीना हो गया तो एक ट्यूनिंग बन जाती है बच्चों से, ठीक है? तो फिर क्लास में अगर वो केवल बैठा हुआ है तो भी मुझको पता चल जाएगा कि वो कितना परसेंट उसको समझ में आ रहा है, उसके फेस एक्सप्रेशन से मुझको पता चल। अभी मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस स्टूडेंट को कितना परसेंट समझ में आ रहा है, तो आपको मुझसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट मुझको समझ में नहीं आया क्लियरली, ठीक है? इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, आप क्लियरली, और किसी टाइप का ऐसा डरने वाली बात नहीं कि नहीं हमको इतना सिंपल क्वेश्चन है टफ। मैंने कहा 2 + 2 = 4 भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ लो, ठीक है? मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर वीडियो पूरा कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है तो हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा हो या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कोई वर्ड क्लियर समझ में नहीं आया, मेरी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, तो ऐसा कुछ भी आप हेजिटेट नहीं हो, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछो, ठीक है? और मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँ, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मुझको आपको क्लियर करवाना है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट वापस से मैं बोल रहा हूँ आप क्लियर करके चलेंगे तो 100% फिजिक्स में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलो,
फटाफट 5 मिनट में कुछ फॉर्मूले में आपको लिखवा देता हूँ, ये सारी चीज आपको समझ में आएंगे। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जरा ध्यान से समझना, ये आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी आपको पता होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तीन फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से पता होंगे क्योंकि आपने 11th में इन तीन फॉर्मूले को बहुत सारा वर्क किया है। अब जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ एडिशन ऑफ एंगल के, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको ध्यान से समझना पड़ेंगे। अभी हो सकता है कि फार्मूले आपको याद नहीं हो, ठीक है, पर याद करना। जैसे साइन अगर ए प्लस बी की बात करें, इट विल बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ओके, मैं ब्लैक कलर से लिखता हूँ ताकि आपको और क्लियरली विजिबल होगा। कॉस ए प्लस बी, उससे पहले हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखते हैं, वो होगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ओके, कॉस ए प्लस बी विल बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए cos b plus sin a sin b, और tan a plus b थोड़ा सा डिफरेंट है इसका फॉर्मूला, tan a plus b होगा tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b। ओके, और अगर आपने लिखा tan a minus b then it will be equal to tan a माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले भी कुछ आपको याद रखना है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 10a plus 10b divided by 1 minus 10a 10b, 10a minus b is equal to 10a minus 10b divided by 1 plus 10a 10b. Okay? Please note down all these formula. These formula are very important. In physics. ओके, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। ओके, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, अभी और भी इसमें बहुत सारा फॉर्मूला बचा हुआ, धीरे धीरे हम सारी चीजें, मैं अभी ज्यादा स्पीड में नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। अपने को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा पर कॉन्सेप्ट सारे मैं क्लियर करवाऊंगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, ठीक है, आप उस पर मैसेज करें, मैं रिप्लाई करूंगा जब कभी फ्री होऊंगा, ठीक है। आपका असाइनमेंट, आज कुछ भी असाइनमेंट नहीं दिया, असाइनमेंट यही है आपका कि सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है आपको, और कोई डाउट आता है तो कल पूछना है। मैं कुछ स्टूडेंट को खड़े कर करके, मतलब कि अनम्यूट करके ये फॉर्मूले पूछूंगा, ठीक है, सारे फॉर्मूले अच्छे से। हाँ थिंक, मुझे कल का एक डाउट है थोड़ा। हाँ हाँ पूछो सर। कल आपने फाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू का दिया था कि फाइंड द वेलोसिटी एट 2.5 सेकंड वाला, हाँ। तो हा? उसमें थोड़ा एक स्टेप में डाउट आया। अच्छा, ओके, क्या डाउट आ रहा है उसमें बताओ सर। उसमें आपने हाँ बोलो। हेलो हाँ बेटा बोलो। एक काम करना, आपको जो भी डाउट है उसका पिक लेना सर, उसमें कल आप हाँ बोलो उसमें लिखा है वी माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू प्लस टू। वी माइनस थ्री इज इक्वल थ्री इंटू टू थ्री
into so 2. 3 by 2. 3 by 2. 3 by okay. 2. Okay. Into? Into 3 by 2. 3 by 2. Into 3 by 2. Okay. Iska pehle ka aapko samajh mein aaya tha? Calculation plus 2. Haan, pehle ka... तो सर आपने 3 into 2 वापस क्यों लिखा वो ही पूछना है वो कैलकुलेशन से आया था ना बेटा यहां पर ये मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है पर ऐसा कुछ शायद क्वेश्चन था ये पॉइंट 1 पर वेलोसिटी कितना था 2 3 2 2 2 और 3 पर वेलोसिटी कितना था 5 आपको 2.5 पे फाइंड करना था है ना तो देखो सबसे पहले आपने क्या निकाला आपके पास इक्वेशन है y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1 ये फार्मूला तो आपको समझ में आया होगा है ना अब यहां पर y की जगह आपने v पुट कर दिया y1 का वैल्यू कितना है 2 ये 3 होगा शायद ये थ्री आपने 2 लिखा है तो यहां पर एक्चुअल में ये 2 नहीं यहां पे 2 होगा v y1 का वैल्यू कितना है x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2 तो v minus 2 equal to y2 y2 कितना है y2 है 5 और x2 है 3 ओके सो y2 इज 5 minus y1 इज 2 divided by x2 x2 is 3 minus 1 और t यहां पर t का वैल्यू 2.5 मतलब 5 by 2 minus x1 is 1 1 तो ये कितना आया 3 by 2 और ये भी कितना आ रहा है 3 by 2 आया समझ में तो v as it is minus 2 यहां पे हो सकता है कि वो गलती से 3 लिखा होगा पर वो 2 है ठीक है अगर ये 2 होगा तो तो v minus और 2 ही है क्योंकि यहां पर 2 लिखा तो v minus 2 is equal to ये 3 by 2 और ये भी 3 by 2 और कोई डाउट किसी को नाइस सर चलो थैंक यू सर वेलकम ऑलवेज वेलकम चलो तो अब हम क्लास को फिनिश करते हैं आप अब अपना क्लास शायद ट्यूसडे को होगा तो संडे आपके पास फ्री है ठीक है आपके पास में मंडे भी दूसरे सब्जेक्ट का आपका लेक्चर होगा फिजिक्स का लेक्चर नहीं होगा ऐसा टाइम टेबल मुझको जहां तक पता है तो ट्यूसडे को हम मिलेंगे ठीक है और सारे डाउट सारे फार्मूले आप अच्छे से पढ़ना सारी चीजें अच्छे से पढ़ना मैं अभी ज्यादा कुछ असाइनमेंट आपको नहीं दे रहा हूं पर असाइनमेंट धीरे-धीरे मैं ज्यादा देते रहूंगा ठीक है और आप सभी अच्छे से रिस्पोंड कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच ओके और कोई भी डाउट आए तो मुझसे कांटेक्ट करें ओके ज्यादा डिस्कशन अपन नहीं करते नहीं तो वो चलता जाएगा कोई डाउट हो किसी को अभी भी तो पूछे नहीं तो मैं क्लास एंड कर रहा हूं एंड एवरीबॉडी हैव टू पुट यस इन योर कमेंट बॉक्स सो इट इज अटेंडेंस इट इज योर इट विल बी योर अटेंडेंस एवरीबॉडी हैव टू राइट यस इन योर कमेंट बॉक्स अदरवाइज यू विल बी एब्सेंट जल्दी से फटाफट यस लिख लो सभी 9 10 11 student, 12 student, 13, 14, 15, 16, 18, okay, 19, 20, 20, only 20 student, 23, it will be your attendance with your name, it will be recorded, so 24 only, right now, only 24 students are present. Yes. Yes. And here, so, there are many students. 25 plus 25, 50 students present are here. Only 25 students have given attendance. 50 students present are. Okay, remaining will be absent. Chal, they were screen off karke kahin gayab ho gaye. Aisa lag raha hai mujhko. Screen off karke, sare gayab ho chuke.
चलो ये पता चल गया है कि यहाँ पर 25 स्टूडेंट ही एक्टिव है और रिमेनिंग 25 स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ में डिस्कशन करना पड़ेगा ओके कि वो पढ़ रहे हैं कि स्क्रीन ऑफ करके गायब हो गए। चलो ओके थैंक यू वेरी मच। नाउ इट इज एंडिंग ऑफ मीटिंग। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच।